हाय फ्रेंड्स, ग्लोब ऑफ बर्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 30 लाख का पैरट हायसिनथमाकाव के बारे में बताया था। तो हायसिनथमाकाव जैसे और भी बर्ड्स होते हैं जिनकी प्राइस बहुत हाई होती है, तो उन सब बर्ड्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लेमिंगो बर्ड से। फ्लेमिंगो बर्ड कॉमनली अमेरिका में पाया जाता है और इसके कुछ स्पेसीज कैरिबियन में भी पाए जाते हैं। ये बर्ड एक घंटे में लगातार 56 किलोमीटर फ्लाई कर सकते हैं। फ्लेमिंगो बर्ड की प्राइस लगभग 80,000 होती है। नेक्स्ट बर्ड है हायसिनथमाकाव। हायसिनथमाकाव दुनिया का सबसे बड़ा पैरट है। हायसिनथमाकाव पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप हायसिनथमाकाव लेना चाहते हो तो आपको हायसिनथमाकाव 5 लाख से 30 लाख में मिल जाएगा। उसके बाद है टकून। टकून बर्ड के 40 अलग अलग स्पेसीज दुनिया भर में मौजूद हैं। ये बर्ड्स कॉमनली साउथ मेक्सिको, साउथ अमेरिका और कैरिबियन में पाए जाते हैं। टकून बर्ड उसके कलर, साइज और बीक की वजह से बहुत फेमस है। टकून बर्ड की प्राइस लगभग 4 लाख है, जो कि उसकी खूबसूरती की वजह से बराबर है। नेक्स्ट बर्ड है ब्लैक पाम कोकाटू। ब्लैक पाम कोकाटू कोकाटू फैमिली का पैरट है। यह पैरट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीनिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस पैरट का डाइट बहुत ही मुश्किल से मिलता है और इस पैरट की ब्रीडिंग करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसकी वजह से यह पैरट बहुत ही रेयर है। ब्लैक पाम कोकाटू की प्राइस लगभग 12 लाख है। इसके बाद है रेसिंग कबूतर। 2013 में बेल्जियम में एक नीलामी के दौरान प्रदर्शित किया गया रेसिंग कबूतर 6 मिलियन डॉलर यानी 45 करोड़ 72 लाख इंडियन रुपीज़ में बेचा गया था। यह प्राइस सुनकर आप चौंक ही गए होंगे, लेकिन यह कबूतर की प्राइस इसलिए इतनी थी क्योंकि वो दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड था। अगर आप भी रेसिंग पिजन लेना चाहती हो तो आपको वो 70 लाख के आसपास में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।